फ्रेंड्स, मार्टर गैलरी में आपका स्वागत है। और आज हम अपने ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुंदर रिबन की फ्लावर की ड्रेस बना रहे हैं, जो कि बनाना बहुत ही सिंपल है। इसको हम बहुत कम टाइम में इजीली घर पे बना सकते हैं। तो चलिए हम आज नई तरह की ड्रेस को ट्राई करते हैं। आज हम ठाकुर जी की सेवा में फिर से उपस्थित हैं और आज हम ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं, तो जिसके लिए मैंने एक बुकरम को कट किया हुआ है। बुकरम के जो ब्यास है, जो गोल चक्कर है, वो हमने 5 इंच चौड़ा लिया है और इसको हम कोई किसी भी कटोरी या प्लेट से रख के काट सकते हैं। और जो बीच का गोलधारा है वो हमने लिया है ठाकुर जी की जो कमर का माप होता है उसके अकॉर्डिंग लिया है। और मैं आपको बता दूं, ये हम जो ड्रेस बना रहे हैं ये 2, 3 और 1 नंबर के ठाकुर जी के लिए हम इसको बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक रिबन की जरूरत पड़ेगी। 2 कलर के रिबन हमने इसमें यूज किए हैं, एक लाइटर और इसमें इसके साथ में हमें ग्लू गन की भी जरूरत पड़ेगी इसको चिपकाने के लिए, पेस्ट करने के लिए। तो चलिए इस ड्रेस को हम बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमने जो बेस है ठाकुर जी की ड्रेस का, इसको काट के रेडी कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास रिबन्स हैं उनकी कटिंग करेंगे और उनसे हम फ्लावर बनाएंगे। और फ्लावर को हम कैसे पेस्ट करेंगे ये हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो हमें इसमें 2 तरह के पेटल्स यूज करने हैं। तो इसमें हमने जो रेड कलर का यूज करना है वो हमने 6 सेंटीमीटर कट करना है, 6 सेंटीमीटर इसको हम कट करेंगे और जिसकी चौड़ाई है लगभग 1 इंच के बराबर। तो इसको 6 सेंटीमीटर हम कट कर लेंगे। इसके साथ ही हम ग्रीन जो रिबन है उसकी कटिंग करेंगे। तो ग्रीन रिबन के लिए हमने कटिंग करनी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इसकी कटिंग रखनी है लंबाई में। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो जितनी हमने रिबन दोनों बराबर एक साइज के लिए हुए हैं तो इसकी 1 इंच के बराबर है। तो इसको हमने इस तरह से कट करना है। अब रिबन को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। दूसरे कोने से इस तरह से इसको मोड़ेंगे। इस तरह से दोनों को बराबर रखने के बाद इस तरह से इनको एक साथ में ही हम पेस्ट करेंगे।
जो हमने लाइन खींची है पेंसिल से, जो लाइन खींची हुई है इसके अकॉर्डिंग हम इन जो हमने पेस्टल बना के रखे हैं, जो हमने लीव्स बना के रखे हैं, इनको हम पेस्ट करेंगे। अब हमने फ्रिल को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे कान्हा जी की चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए हमने यहाँ पे 7 इंच इसको रिबन की कटिंग करनी है। दोनों रिबन को हम बराबर एक ही माप का काटेंगे, 7 इंच कटेंगे। अब जो हमारा दूसरे कलर का रिबन है, कोई से भी कलर का ले सकते हैं आप, यहाँ पे इसके आधे पार्ट पे हम इस तरह से इसको पेस्ट कर लेंगे। इसको हमने चिपकाना है इस तरह से। अगर आप चाहें तो रेड को ऊपर रख सकते हैं। और इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद अब इसको हमने हाफ करके कटिंग करनी है। इस तरह से हाफ करने के बाद अब हमने इसको इस तरह से रखना है और इसको इस वाले पॉइंट पे हमने पेस्ट करना है, बिल्कुल यहाँ बॉटम में। यहाँ पे इस तरह से इसको पेस्ट कर लेंगे। सामने का फ्रंट पार्ट इस तरह से हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब इसको हम हमारा जो ठाकुर जी का हमने फ्रिल बना लिया है उसके साथ में हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे पेस्ट किया है फ्रंट पार्ट को, और जो बैक पार्ट है उसको हम बैक साइड में, इधर जो हमारा खुला हुआ ओपन पार्ट है इस तरफ हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको डेकोरेशन के लिए हमने इसके अंदर मोती लगाए हैं। इस तरह हमारे ठाकुर जी की बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस बन के रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल स्मार्ट आर्ट गैलरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।